शीतले त्वयं जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। अर्थात हे माता शीतला, आप ही संसार की आदि माता हैं, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, आज जो मैं जिस विषय पर बात करने वाली हूँ, आप सब समझ ही गए होंगे मैंने जिनके मंत्र से शुरुआत करी है, क्योंकि शीतला सप्तमी पड़ रही है। शीतला अष्टमी, शीतला सप्तमी, जिस दिन भी आप पूजन करते हैं, आप किस तरीके से करें, किस तरीके से क्या बनाएं आप भोजन में, उनके नैवेद में, और कैसे बनाएं, बहुत ही सभी जानते हैं, एक तरह से सभी अपने अपने घरों में करते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमसे कुछ अनजाने में भूल हो जाए, इसलिए आज मैं इस विषय पर आपको थोड़ा विस्तार से बताने वाली हूँ। आप अवश्य शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, क्योंकि शीतला माता ऐसी माता है जो आपकी बीमारियों से रक्षा करती है, आपके परिवार की अदृश्य शक्ति अनिष्टकारक शक्तियों से रक्षा करती है, साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की, यदि आप पर शीतला माता की कृपा है तो माँ लक्ष्मी की भी आप पर कृपा होगी ही होगी। और शीतला सप्तमी ऐसा त्यौहार है जो हर हिंदू, कोई भी जात हो, कोई भी कास्ट हो, सभी लोग मनाते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है जो जानकारी, वही इस वीडियो से आपको प्राप्त होने वाली है। आप सभी जानते ही होंगे, पूजन करते हैं तो पहले ही एक दिन पहले ठंडा खाना, ठंडा नैवेद्य बना के रखना होता है, उसी से माता शीतला की पूजन होती है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के एक दिन पहले आप जो भी पूजते हैं, कई जगहों पर सप्तमी की पूजन की जाती है, कई जगहों पर अष्टमी की पूजन की जाती है, आपको इससे पहले एक दिन पहले आपको मीठा भात, जिसे कई जगहों पर ओलिया भी कहा जाता है, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की, पुए, पुड़ी, पकोड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, सब्जी, जो भी आप चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि ये बताया गया है तो आपको यही चढ़ाना है, आपके घर में जो शुरू से बहुत जैसा भी बनता आया है आप वो बनाएं, और नैवेद्य के रूप में माँ शीतला को वही चढ़ाएं। कुल्हड़ में मोट, कुल्हड़ एक मिट्टी का बर्तन होता है, और ऐसा कहा जाता है कि जब माँ को भोग लगाया जाता है तो कुल्हड़ में ही आप अर्पित करें। कुल्हड़ में मोठ और बाजरा भिगोया जाता है, इनसे कुछ भी पूजन से पहले जो नैवेद्य की सामग्री होती है कभी भी उसे झूठा नहीं किया जाता। पूजन के पहले कुछ भी सामान नहीं, सामग्री हमें नहीं खाना चाहिए। कई जगहों पर माताजी की पूजन के लिए एक ऐसी रोटी बनाई जाती है जिसमें लाल रंग के सिकाई के एक भी निशान नहीं बने हों, और यानी जिस दिन आप भोजन बना रहे हो, छठ के दिन या सप्तमी के दिन, यदि आप अष्टमी पूजते हैं तो सप्तमी के दिन आपको भोजन बनाना है, और यदि आप सप्तमी पूजते हैं तो छठ के दिन भोजन बनाना है। तो छठ को आप रात को सारा भोजन बनाने के बाद रसोई घर की साफ सफाई करके और आपको अवश्य रखना चाहिए। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले कई जगहों पर नौ कंडवारे बुलाए जाते हैं, एक कुल्हड़ और एक दीपक कुम्हार के यहाँ से मंगवा लेते हैं, और बासेड़े के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो ठंड के दिन चलते रहते हैं तो उसमें सभी गर्म पानी से स्नान करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है जिस दिन बासोड़ा हो, जिस दिन शीतला सप्तमी की पूजन की जाती है, उस दिन हमें ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। और एक थाली में कंडवारे भरें, कंडवारे में थोड़ा दही, राबड़ी, चावल जिसे ओलिया भी कहा जाता है, पुआ, पकौड़ी, शक्कर पारे, या जो भी आपने रोटी पूड़ी जो भी आपने बनाई है, मीठा मोठ, भीगा मोठ, बाजरा, जो भी आपने बनाया है उसे आप रख लें। और पूजन की सामग्री जैसे रोली, मोली, पुष्प, वस्त्र, जो भी आपको अर्पित करना है माँ की पूजन में, आप रखें। और इसके बाद ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजन के पहले कोई भी गर्म चीज़, वैसे तो बाद में तक नहीं खाई जाती है, लेकिन कई लोग चाय बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए पूजन करने के बाद जब आप ठंडे
भोजन का भोग लगा लेते हैं, जब माता की पूजन के बाद आप थोड़ा सा ठंडा भोग ले लें, उसके बाद ही आप चाय पिए, जो भी गर्म। और कुछ खाने की सामग्रियों में तो गर्म बनता ही नहीं है अधिकांश घरों में, बनाना भी नहीं चाहिए। जल का साथ में कलश भरकर रख लें और पानी से बिना नमक के आटा गूंद कर इस आटे से एक छोटा सा दीपक बना लें। इस दीपक में रुई की पाती घी में डुबो कर लगा लें। यह दीपक आपको बिना जलाए ही माता जी को चढ़ाया जाना चाहिए। पूजन के लिए साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहने, पूजा की थाली पर, कंडवारों पर उस घर के सभी सदस्यों को रोली और हल्दी से टीका करें, खुद भी टीका लगा लें। हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें, हे माता मान लेना और शीली ठंडी रहना, शीतल आशीष प्रदान करना, घर में प्रेम सुख शांति और शीतलता बनी रहे, आरोग्य की देवी 7 पीढ़ियों तक प्रसन्न रहना। इसके बाद मंदिर में जाकर पूजन करें। यदि शीतला माता घर पर हो तो घर पर भी पूजन कर सकते हैं, वैसे यह पूजन मंदिर में ही किया जाता है। सबसे पहले माता जी को जल से स्नान कराएं, रोली और हल्दी से टीका करें, काजल मेहंदी लच्छा वस्त्र जो भी आप ले गए हों अर्पित करें, 3 कंडवारे का सामान अर्पित करें बड़ी माता बोदरी और अचपड़े खसरा के लिए, बड़कुले की माला यदि आप ले गए हैं तो वह समर्पित करें, आटे का दीपक बिना जलाए अर्पित करें और माता की जो भी कहानी आप बोलते हैं उस कथा को सुनें और हाथ जोड़कर माता से आशीर्वाद लें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें थोड़ा सा जल लोटे में डाल लें। यह जल पवित्र होता है, इसे घर के सभी सदस्य आंखों पर लगाएं, थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कें, जिससे घर में शुद्धि भी होती है और शुभ ऊर्जा का संचार होता है। शीतला माता की पूजन के बाद आपको पथवारी की पूजन करनी चाहिए, 1 कुंडवारे का सामान यहाँ अर्पित करना चाहिए। शीतला माता की कहानी और पथवारी की कहानी और श्री गणेश जी की कहानी सुने। इसके बाद जो होलिका दहन होता है जहाँ हुआ था वहां जाकर पूजन करें, थोड़ा जल चढ़ाएं, पुआ पकौड़ी बाजरा 1 कुंडवारे का सामान यहाँ चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी की मटकी की पूजन करें और बचे हुए कुंडवारे का सामान कुमरी को या गाय को और ब्राह्मणी को दे दें। इस प्रकार शीतला माता की पूजन संपन्न होती है। घर के दरवाजों पर सुरक्षा के लिए हाथों की छाप लगानी चाहिए। ठंडे व्यंजन सब परिवार मिलजुल कर खाएं और बासेड़ा का त्यौहार का आनंद उठाएं। इस प्रकार यदि आप शीतला माता की पूजन करते हैं तो आपके जीवन के कष्ट मिट जाते हैं। शीतला माता की पूजा हमेशा ठंडे बार को ही करनी चाहिए, जैसे सोमवार गुरुवार शुक्रवार ठंडे बार होते हैं। शीतला माता की पूजा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उनकी माएँ करती हैं, कहते हैं कि 9 दिनों में अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। सप्तमी और अष्टमी तिथि पर सिर नहीं धोते हैं, सिलाई नहीं करते हैं, सुई नहीं पोते हैं, चक्की और चरखा नहीं चलाते हैं। इस दिन गणगौर की पूजन जो करते हैं उसके लिए ज्वारे भी बोए जाते हैं, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। इस तरीके से यदि आप शीतला सप्तमी की पूजन करेंगे तो माँ शीतला की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ शीतला की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।